बड़ी खबर केदारनाथ से है, जहां पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है और ऐसे में सरकार ने श्रद्धालुओं के आवागमन को लेकर फैसले ले लिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ ही जो श्रद्धालुओं के आवागमन में दिक्कतें हैं वो बढ़ रही हैं। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ पैदल मार्ग में दिक्कत हो रही है। हर दिन 15 से 20 हजार जो श्रद्धालु हैं वहां पर दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में केदारनाथ धाम के लिए 16 जून तक रजिस्ट्रेशन को फिलहाल बंद कर दिया है। दरअसल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है, कहा जा रहा है। तो आपको बता दें कि अब तक चार धाम में यात्रा करने वाले जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो 25 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है और ऐसे में जो हर दिन श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है और ये जो संख्या है हर दिन 15 से 16 हजार श्रद्धालु वहां पर दर्शन कर रहे हैं और फिलहाल दिक्कतें ना हो, क्योंकि संख्या इतनी बढ़ जा रही है, भीड़ को नियंत्रण करना इतना मुश्किल हो जा रहा है। इसीलिए प्रदेश की सरकार ने फिलहाल भीड़ को देखते हुए निर्णय लिया है कि 16 जून तक रजिस्ट्रेशन को केदारनाथ धाम में बंद किया जाएगा। तो बड़ी खबर बता दें, चार धाम यात्रा को लेकर गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ पैदल मार्ग की बात करें तो दिक्कतें आ रही हैं और ऐसे में हर दिन 15 से 20 हजार श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिक्कतें और भी ज्यादा ना बढ़े, श्रद्धालुओं का आवागमन में दिक्कतें ना हो, इसलिए राज्य की सरकार ने यहां पर फैसला लिया है और फिलहाल 16 जून तक रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है। तो भीड़ को देखते हुए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। आपको बता दें कि हालांकि इससे पहले भी बीच बीच में सरकार जो है वो केदारनाथ धाम में यात्रा को रोक रही थी, रजिस्ट्रेशन को रोक रही थी, ताकि जो यात्रा है वो सुव्यवस्थित रहे, सुगम रहे और सुरक्षित रहे और ऐसे में कोई भी अव्यवस्था का आलम यहाँ पर पैदा ना हो। इसी को देखते हुए एक बार फिर से फैसला कि 16 जून तक फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन है, जो भी अगर केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है, तो ऐसे में फिलहाल रोक लगाई गई है कुछ दिन के लिए, 16 जून तक के लिए, कि रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम में नहीं होगा, ताकि जो भीड़ वहां पर आ रही है उसको सुव्यवस्थित किया जा सके, कोई भी दिक्कतें वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को ना उठानी पड़े। तो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, माफ कीजिएगा, राज्य की सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल 16 जून तक रोक लगाई गई है। और सहयोगी नितिन जमलोकी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नितिन, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि वक्त वक्त पर बीच बीच में इसी तरह से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रोक लगाई जा रही थी रजिस्ट्रेशन पर, एक बार फिर से यहां पर रोक, अभी कितना वहां पर आंकड़ा जो है वो श्रद्धालुओं का पहुंच रहा है और हर एक दिन की बात करें और जिस तरह से मार्ग को लेकर बातें सामने आ रही है कि मार्ग में कहीं ना कहीं दिक्कतें यहां पर श्रद्धालुओं को हो रही हैं, तो ऐसे में क्या प्लान पूरा यहां पर प्रशासन शासन ने बनाया है? जैसे कि हम बात करें, केदारनाथ यात्रा अभी एक चरम पर है और श्रद्धालुओं की हम बात करें तो 9 लाख श्रद्धालुओं का जल्द ही आंकड़ा पार होने वाला है और प्रत्येक दिन कम से कम 15 से 20 हजार श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन कर रहे हैं। और जहां हम बात करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी वर्तमान में प्रदेश सरकार के द्वारा बंद किए हुए हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शनों को आ रहे हैं। और हम पैदल रास्ते की बात करें तो पैदल रास्ता इन दिनों धाम में मौसम खुशनुमा है और बारिश कम हो रही है, तो क्षतिग्रस्त मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है लगातार। डीडीए में जहां पर जो कि मार्ग को दुरुस्त करने की यहां पर कार्यदायी संस्था है, तो उसके द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है मार्ग को सुधारने में। नितिन, क्या अभी हम ये समझे कि फिलहाल जो फैसला लिया गया है वो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है, 16 जून तक ही रजिस्ट्रेशन रोक रहेगी या फिर इसको बढ़ाया भी जा सकता है आगे? बिल्कुल, जैसा कि प्रदेश सरकार के द्वारा 16 जून तक रजिस्ट्रेशन बंद करने का ये फैसला लिया गया था, ये फैसला जो कि विगत दिनों मौसम विभाग के द्वारा कहा गया था कि जल्दी मानसून आने आ रहे हैं और केदारनाथ धाम में बारिश हो सकती थी, लेकिन उसके उलट यहाँ देखा गया कि यहाँ पर बारिश फिलहाल बंद हो गई थी और श्रद्धालु एकदम से बड़ी संख्या में पहुंचने लगे थे। तो प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं के जो एक भारी भीड़ को रोकने के लिए भी ये रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब इन दिनों जैसे ही मानसून केदार घाटी में आना शुरू होते हैं तो श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आती है, तो हो सकता है कि 16 जून के बाद रजिस्ट्रेशन फिर पुनः चालू कर दिए जाएंगे। चलिए, धन्यवाद आपका नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।